Assalamu alaikum students, welcome back to our online classes. Students, we are continuing with our lecture on the chapter power sharing. Students, last lecture mein humne baat ki thi about democracy, humne baat ki thi about Sri Lanka aur humne baat ki thi Belgium ki story ki. Students, ये जो बेल्जियम का केस है या श्रीलंका का केस है, बेसिकली हमको यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहे हैं. दे वॉन्टेड टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग. हमने कल डिस्कस किया, अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं, अगर पावर किसी एक अथॉरिटी के पास ही रहती है, यानी कि किसी एक रूलर के पास ही रहती है, तो कैसी पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है, कैसे वो कोलैप्स हो सकता है, कैसे पावर शेयरिंग अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए पावर को, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स उठ सकते हैं सोशल ग्रुप्स में. दैट इज वाई दिस चैप्टर इज बेसिकली विद रिगार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट, कितना जरूरी है कि हम पावर को कैसे एक पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे. तभी हमने बात की थी कल इंडिया में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है विद इन डिफरेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि जुडिशरी है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और अब तो मीडिया भी है. खैर, लेकिन द मेन प्रॉब्लम हियर इज गोइंग ऑन, दैट इज विद द बेल्जियम एंड विद द श्रीलंका. हमने श्रीलंका का केस देखा कैसे वहां पे पॉपुलेशन के बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे सिन्हाला कम्युनिटी होती है, जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो सिन्हाला लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे में यहां से कौन से होते हैं, वहां के लोकल जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं. तो श्रीलंकन तमिल्स के साथ इंडियन तमिल्स भी होते हैं, और ये तमिल बोलते हैं और वो वाले सिन्हाला बोलते हैं, और कैसे इस बेसिस पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कैसे सिन्हाला ग्रुप अपनी गवर्नमेंट बना देता है, कैसे एक्ट पास होता है, और कैसे तमिल स्पीकर्स जो है वो कैसे एलिनेटेड फील कर रहे हैं, और उसके बाद कैसे वो फिर डिफरेंट डिमांड्स करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं तमिल इलाम यानी कि स्टेट के लिए, और कैसे ये प्रोसेस चलता है. लेकिन यहां पे जो मेन चीज हमको समझनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं हो पाया, और दैट इज व्हाई इट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू द सिविल वॉर, और कैसे श्रीलंका की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, और ये सिलसिला चलता गया 2009 तक. बेल्जियम में क्या बात थी स्टूडेंट्स, बेल्जियम के केस को एक बार फिर देखेंगे, फिर इनका देखते हैं इन्होंने क्या अल्टीमेटली हल निकाला. बेल्जियम, इफ यू टॉक अबाउट बेल्जियम, द मेन थिंग अबाउट बेल्जियम इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वॉज वेरी डिफरेंट. ठीक है, श्रीलंका में जैसे डिफिकल्ट थी, डिफरेंट थी, कॉम्प्लेक्स थी, यहां पर भी बिल्कुल वैसी थी. अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें, पूरे बेल्जियम में क्या था बेटा, डच पॉपुलेशन 59% वो फ्लेमिश रीजन कवर कर रहे थे, और फ्रेंच जो थी वो 40% थी, वो वेलोनिया रीजन कवर कर रहे थे, और फ्रेंच जो थे वो क्या थे, दे वेयर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर, दो वेयर वेरी एजुकेटेड, और जर्मन एक पॉपुलेशन थी. यानी कि पूरे सेंटर में डिफरेंट तरीके से, यहां पे कुछ और कहा जा रहा है, यहां पे कैपिटल है और ये कुछ और बोल रहे हैं, जर्मनी यहां से कुछ और बोल रही है. अब ये डच वगैरह इसलिए बोल रहे क्योंकि इनकी बॉर्डरिंग स्टेट्स वैसी है, यहां से नीदरलैंड्स है जो डच बोलते हैं, यहां से जर्मनी है, यहां से फ्रांस है, दैट इज व्हाई इनका इन्फ्लुएंस इस कंट्री पर भी पड़ जाता है, और डिफरेंट उसी तरीके से वहां की जो लोग है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज एक्योर करते हैं अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज से, और वैसा ही इन्फ्लुएंस एथनिक कंपोजिशन जो है वो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है. लेकिन सेंटर की बात करें, जो कि कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या होता है, ब्रुसेल्स में इससे भी डिफिकल्ट हाल हो जाता है. यहां पे डच पॉपुलेशन सिर्फ 20% है जो डच बोल रहे, 20%, और यहां पे जो फ्रेंच है वो 80% बोल रहे. अब इस पूरे हैफजर्ड मैनर में क्या हो रहा है, पूरे हैफजर्ड मैनर में सियासत कैसे चलेगी, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, गवर्नेंस कैसे स्मूथ चलेगी. अब ये क्या करते हैं, ये जो बेल्जियम वाले पॉपुलेशन होते हैं बेटा, ये बहुत डिफरेंट एक अलग तरीके से एक सेटअप करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, ताकि पूरा जो सियासत का सिस्टम है वो अच्छे से चल सके. याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन. बेल्जियम रिकॉग्नाइज्ड डायवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज. देखो पहला पॉइंट उन्होंने क्या किया, दिस रिकॉग्नाइज्ड, तो पॉजिटिव पॉइंट यहां पर है. उन्होंने समझा इस बात को, नहीं अगर डायवर्सिटी है, अगर एथनिक कंपोजिशन काफी स्ट्रांग है, अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को भी फॉलो कर रहे हैं, तो वी कैनॉट इग्नोर दिस कॉम्प्लेक्सिटी. अगर हमको गवर्नेंस को स्मूथली चलाना है, अगर गवर्नेंस को अच्छे से फॉलो अप करना है, अगर लोगों को बिना किसी झगड़ों के रहना है, तो हमको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इनको अपनी पहचान देनी पड़ेगी. तो पहला पॉइंट, इट रिकॉग्नाइज्ड दिस डायवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर in their country. Very good. First point, this is something very good which they did. Ab kya kar rahe? The Belgian government sought to accommodate. Tabhi yahan pe likha hai accommodation of Belgium. Unne accommodate kiya sab cheezon ko apne andar acche se samaye liye aur pro logon ki problem solve ki. They accommodated this diversity by amending the
कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने कल डिस्कस किया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज वन ऑफ द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक आईन, एक किताब जो लिखी गई, और जो लिखी गई बेटा कम से कम 3 साल के सफर में, और बहुत लोग जुड़े थे, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, एक इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, क्योंकि हमको पता है लोगों का सेटअप जो है विद प्रोसेस, विद पैसेज ऑफ टाइम जरूरतें बदलती है, चीजों की इंपॉर्टेंस बदलती है, लोगों की वी कैन से वट एवर दे वॉन्ट दैट थिंग बेसिकली द नोशन गेट्स चेंज, द कॉम्प्लेक्सिटी गेट्स मोर डिफिकल्ट। और लोगों के साथ साथ क्या होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई बेटा उनको कभी कभी चेंज करना पड़ता है। सो वी कैन नॉट एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू अमेंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस। हमारे जो भारत का आईन है इसमें भी बेटा चेंजेस हुई है, यह आईन बहुत बड़ा है बेटा, 104 बार ये अमेंड हो चुका है। रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड बाई 104 टाइम्स, एंड लास्ट टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड दैट वॉज इन द जनवरी 2020। और वो अमेंड क्यों हुआ था, क्योंकि एसटी और एससी को लेकर कुछ मसला चल रहा था पार्लियामेंट में, और उनकी रिजर्वेशन को 10 साल एक्सटेंड करना था, और उसी सिलसिले में एक बार उधर भी उस टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया। तो ये प्रोविजन रखा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। वहीं कुछ बेल्जियम में कुछ एथनिक कंपोजिशन जब बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा 4 बार चेंज करते हैं, सो टू अकोमोडेट दिस डाइवर्सिटी। फ्रॉम व्हाट हैपनिंग नाउ, दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनश्योर, क्या करना है, क्यों करना है, टू एनश्योर इक्वालिटी ऑफ राइट्स। देखो बेटा ये श्रीलंका ने नहीं किया, इक्वालिटी ऑफ राइट्स उन्होंने हक लोगों को नहीं दिए, दे डिडंट गिव देम इक्वालिटी, दे गिव देम अपॉर्चुनिटीज, उनको यूनिवर्सिटी में जॉब्स नहीं मिल रहे थे, सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी को ही सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहां पे दे आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बीन चेंजिंग अगेन एंड अगेन, कुछ ऐसे प्रोविजन वहां पे क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट फॉलो अप हो रहा है, बुद्धिस्ट लैंग्वेज फॉस्टर हो रही है, बुद्धिस्ट रिलीजन सॉरी फॉस्टर हो रहा है, और उसके बाद क्या करें, सिन्हाला कम्युनिटी ओवर रूल कर रही है, डोमिनेंट हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसी हिसाब से अमेंड कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव तरीकों से अमेंड कर रहे हैं, क्या करना है, टू एंश्योर इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, मेन थिंग। फ्रॉम 1970 टू 1993 बेटा, इस साल में द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times बेटा, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, टू रिकॉग्नाइज इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ताकि इक्वली, देखो ये पॉइंट है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किनकी, लोगों की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू रिकॉग्नाइज द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट सच एज डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स मस्ट बी इक्वल इन द सेंट्रल। अब सेंट्रल में क्या केस था बेटा, सेंट्रल में डच यहां से है जो कम, जो ज्यादा है ऑलमोस्ट 59% है, और यहां से वो बाकी में कौन से बेटा, फ्रेंच बोलने वाले हैं, तो डच ज्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले ऑलमोस्ट 40% है। अब क्या हो रहा है इसमें, इसमें इनको कैसे मिक्सचर बनाने, ये सरकार कुछ ऐसे पावर कुछ ऐसे शेयर कर रही है कि जो सेंट्रल पे जो गवर्नमेंट बन रही है बेटा उसमें क्या है, उसमें इक्वल होना चाहिए, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स मस्ट बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ, अब इसके बाद कुछ एलिमेंट्स देखेंगे क्या है इस बेल्जियम मॉडल ऑफ गवर्नेंस के। तो पहला स्टेप जो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे तय कर रहे हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि व्हाट विल बी हैपनिंग, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स मस्ट बी इक्वल, यानी कि अगर 15 मिनिस्टर है तो यहां से हमको अगर 16 मिनिस्टर चाहिए तो 8 मिनिस्टर फ्रेंच वाले लो, 8 मिनिस्टर डच वाले ले लो। तो पहला पावर शेयर उधर इक्वल तरीके से हो रहा है, और ये पंगे अब नहीं हो रहे जो श्रीलंका में हो रहे थे। उसके बाद ये क्या कर रहा है, कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, व्हाट एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, एंड इट्स स्टिल कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, इवन यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर वहीं पर बनाया। यूरोपियन यूनियन पता है ना बेटा, 27 कंट्रीज फॉर्म इन बेसिकली वेरी बिफोर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम, लेकिन रिसेंटली 1983 में वो अच्छे से भरपूर तरीके से एक यूरोपियन यूनियन बनता है, जहां पे 27 कंट्रीज तय करते हैं अपनी सारी करेंसी वगैरह सब कुछ सेम होगा, और वो अपना हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बनाते हैं। दैट सीइंग द दिस ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक पावर ऑफ गवर्नेंस, स्प्रिट ऑफ दिस डेमोक्रेसी इतने अच्छे से अप्लाई किया है, तो हेडक्वार्टर वहां पे यूरोपियन यूनियन का बनाया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स जो देखते हैं जो ये तय कर रहे हैं, पहला एलिमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमने अभी देखा। सम स्पेशल लॉज, कुछ कानून चाहिए, रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, अगर कुछ ऐसे कानून लाने हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर का सपोर्ट हमको चाहिए फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन कौन सा है, एक तो फ्रेंच स्पीकिंग है, दूसरा डच स्पीकिंग है, तो मतलब अगर आपको कुछ भी करना है आपको सबकी रजामंदी, सबका सपोर्ट, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। दस इससे क्या होता है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिट
यूनिलेटरली, मतलब एक ही सिंगल कम्युनिटी का फैसला नहीं चलेगा। अगर इवन लॉज भी पास करने हैं, कुछ भी चीजें करनी है, तो सबकी रजामंदी इक्वल तरीके से होनी चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट थी इसको भी पावर दी है। जैसे बेटा हमको पता है इंडिया में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स, हम इसमें देखेंगे आगे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने पावर है, और कुछ पावर कॉन्करेंट होते हैं जो दोनों के बीच में होते हैं, तो ये हम आगे देखेंगे इस वीक्स बुक में। लेकिन यहां पे ये क्या हो रहा है, यहां पर भी एक अच्छी चीज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दे रहे हैं। इट इज नॉट बिकम सबऑर्डिनेट, ये उसके बेसिकली उसके महदूद नहीं रह रहे पूरी तरीके से, इनको भी अपने हिसाब से कुछ पावर्स दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। सेंटर की बात हो रही है बेटा, बीच में कैपिटल की बात, ब्रुसेल की अलग ही सरकार है बेटा, जहां पे क्या हो रहा है बोथ कम्युनिटीज, कौन कौन सी थी, फ्रेंच और डच, और ये ज्यादा बोलने वाले थे, यहां पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स था, फ्रेंच कुछ ज्यादा ही थे, डच कुछ कम थे। यहां पे क्या हो रहा है, फ्रेंच 80% थे और डच 20% थे कैपिटल में। अब व्हाट इज हैपनिंग, इनकी डिफरेंट सरकार बनती है जहां पे बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या हो रहा है, वो उनको बोल रहा है कि बेसिकली मसला कैसे सॉर्ट आउट हो रहा है। वो बोल रहा है अगर आप पूरे सेंट्रल की बात करो, वहां पर भी हम इक्वल रहेंगे, भले ही हम कम है, भले ही वहां पर डच ज्यादा है फ्रेंच कम है, लेकिन वहां पर हम इक्वल रहेंगे। देखो सेंटर में भी ये मान रहे हैं लोग आपस में, देखो लोगों में भी तो समझ, एजुकेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज वेरी मच, दे शुड अंडरस्टैंड। इवन एट सेंट्रल लेवल अगर हमको इक्वल शेयर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम यहां पे 80% है ज्यादा है, यहां पे ये 20% है, तो चलो इनको भी इक्वल करने देते हैं। और यही सेटअप बहुत अच्छा रहता है बेटा, ताकि सब इसमें खुश रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसके बावजूद भी इन्होंने एक चीज रखी, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी कि कम्युनिटी कुछ सरकार बना रही है, इज इलेक्टेड बाय पीपल, ये लोग ही चूज करते हैं, तो इस यहां पर पंगे नहीं है, लोग खुद चूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, या एक लैंग्वेज कम्युनिटी को जो बिलोंग करेंगे, या डच है, फ्रेंच है, जर्मनी है, नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी रह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर, किसके रिलेटिंग होता है, ये क्या कर रहे हैं, कल्चरल फैसले, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सब सॉर्ट कर रहे हैं। अब ये इतना अच्छा सिस्टम बन रहा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हो रही है, लैंग्वेज रिलेटेड, एजुकेशन वो वाले फैसले ले रही है, सेंटर पर भी अपनी हुकूमत है, सेंटर पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशंस है, डच के आगे, फ्रेंच के आगे, और जो बीच में कैपिटल है उसमें बहुत कम थे बेटा डच के, लेकिन वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। यानी कि लेवल, सेंट्रल लेवल और कैपिटल लेवल, और वी कैन से एट द कम्युनिटी लेवल, तीन टाइप की सरकारें बन रही है। दो दिस सिस्टम सीम्स that time very very complex, मगर this would have been the best system they have adopted, और ये system बहुत अच्छे से चला, और इतनी complex population थी, लेकिन this system fitted very 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 best and perfect for this scenario, ठीक है बेटा। अब पता क्या चलता है इन दो कहानियों से, दो कहानियां हमने देखी बेटा, श्रीलंका की कहानी और बेल्जियम की कहानी। श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी समझती नहीं है, वो क्या कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, डोमिनेट हो रही है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जंगे हो जाती है। बेल्जियम में लोग समझदार है, बेल्जियम में लोगों को पता चलता है नहीं, नो मैटर वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स एथनिक स्ट्रक्चर इवन एट कैपिटल लेवल एंड एट द होल लेवल, होल कंट्री लेवल, लेकिन वो समझते हैं। यहां पर भी डच और फ्रांस समझ रहा है, कैपिटल पे भी डच और फ्रांस समझ रहा है, और इक्वल लेवल की रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं, और इक्वल लेवल के लोग, बराबर तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई मेजोरिटेरियनिज्म नहीं हो रहा है, सबको अकोमोडेट किया जा रहा है। श्रीलंका में मेजोरिटेरिज्म हो रहा है, पंगे हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, श्रीनगर बर्बाद, श्रीलंका तहस नहस हो रहा है। 2009 तक क्या हो रहा है बेटा, 2009 तक पूरे श्रीलंका में बेटा याफरा तफरी मचती है, और इकोनॉमिक लॉस और डिस्ट्रेस में कंट्री चली जाती है। लेकिन बेल्जियम में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, बेल्जियम में एक ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पूरे तरीके से सॉर्ट आउट करके एक अच्छे से सरकारें बनाई जा रही है, और सेंट्रल और कैपिटल लेवल और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब व्हाट आर द आउटकम्स, अब इन कहानियों से हमने क्या सीखा, आउटकम फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज, नो डाउट, लोग ही चूज कर रहे हैं अल्टीमेटली अपनी सरकार, बट दे डेल्ट डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, दोनों अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। हमने देखा श्रीलंका मेजोरिटेरिज्म, पंगे हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, कंट्री खत्म हो रही है, डिस्ट्रेस में जा रही है, 2009 तक डिस्टर्बेंस चलती जा रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, बेल्जियम में आपस में कॉपरेशन हो रही है, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे दोनों को रिप्रेजेंटेशन इक्वल पोर्शन मिल रहा है, डच और फ्रेंच आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ अकोमोडेट होते हैं, और सरकार अच्छे से चलती है। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी इज पॉसिबल, वहां पे रियलाइज होता है किसको, गवर्नमेंट को, अगर लोगों को यूनाइट रखना है, इस डाइवर्सिटी में उनको एक साथ रखना है, तो वो तभी मुमकिन है जब हम रेस्पेक्ट करेंगे उनकी फीलिंग्स को और उनकी सब इंटरेस्ट को एक साथ लेके चलेंगे, ताकि वो, और हालांकि वो डिफरेंट कम्युनिटीज है और डिफरेंट रीजन्स है। तो बेटा ये पहला पॉइंट हमने शुरू में ही देखा, दे रियलाइज दिस एथनिक डाइवर्सिटी एंड दे फेल्ट दैट वी कैनॉट इग्नोर दिस कॉम्प्लेक्सिटी,
वी हैव टू टेक ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड मेक अ होल सिस्टम और मेक अ होल बेल्जियम अ गुड प्लेस टू लिव इन. ठीक है, अब व्हाट इज हैपनिंग, दिस रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर श्रीलंका फॉर शेयरिंग पावर. अब इससे क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, दोनों आपस में म्यूचुअली मंजूरी दे रहे हैं और पावर शेयर अच्छे से हो रहा है सेंट्रल में भी स्टेट में भी. श्रीलंकन शोज दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वॉन्ट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस. श्रीलंका से क्या सबक मिलता है, श्रीलंका शोज दैट अगर मेजोरिटी कम्युनिटी, कौन है यहां पे, सिन्हाला जो बुद्धिस्ट है 79% ऑलमोस्ट, ये क्या कह रही है, इफ दे वॉन्ट टू फोर्स देयर डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और पावर को शेयर ही नहीं कर रही है, सब कुछ अपने पास रख रही है, और जो वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी एथनिक लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तमिल्स है जो श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स वहां पे है, उन पर वो डोमिनेट हो रहे हैं, दे आर रिफ्यूजिंग टू शेयर पावर, इट्स कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. और जो इतिहाद है कंट्री का, यूनिटी है कंट्री की, उसको ये खत्म कर सकती है, अंडरमाइन कर सकती है, ओवररूल कर सकती है. बेटा यूनिटी को संभालना किसी भी कंट्री को, इंडिया इज ए कंट्री वेयर वी आर कंटिन्यूअसली सेइंग, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पे बहुत 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 ज्यादा डाइवर्सिटी है, चाहे रिलीजन हो, कितनी बोलियां बोली जाती है बेटा, 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है. और इंडिया में यह कहा जाता है अगर आप 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलो, यू विल सी द डिफरेंस इन डायलैक्ट्स, डायलैक्ट्स अलग अलग है, यानी कि लैंग्वेज के एक वी कैन से एक एक्सेंट में चेंज आ रहा है. देर आर न्यूमरस डायलेक्ट्स इन द इंडिया, लैंग्वेज में डायवर्सिटी आ जाती है, कल्चर में डायवर्सिटी आ जाती है, ट्राइब्स कितने सारे हैं और लैंग्वेज कितनी ज्यादा बोली जाती है, रिलीजन कितने ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिटीज कितनी ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा डायवर्सिटी में आप कंट्री को यूनाइट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बेटा, वो हम अच्छे से समझ रहे हैं. ठीक है, सो वॉट इज हैपनिंग, टू केसेस, श्रीलंका बेल्जियम, श्रीलंका खत्म हो रही है, डोमिनेट हो रही है, मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है, लेकिन बेल्जियम में क्या हो रहा है, बेल्जियम में सब कुछ पावर शेयर अच्छे से हो रहा है. दिस इज द रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, एंड यहां पे क्या हो रहा है, अंडरमाइनिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है बेटा, अब क्यों पावर शेयर बहुत जरूरी है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर क्यों शेयर करना पड़ता है. बेटा पावर शेयरिंग को एक चीज कहा गया है, पावर शेयरिंग हैज बीन सेड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र है इसकी रूह है बेटा, इसकी आत्मा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर पावर एक ही के पास हो, एक ही रूल के पास हो, एक ही रूलर के पास हो, जैसे कहां होता है बेटा, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी एग्जांपल देखने को मिल चुकी है. रिसेंटली मुशर्रफ क्या करता है, मुशर्रफ जाता है नवाज शरीफ को हटा देता है और खुद पावर रूल सारा इख्तियार में ले लेता है, मिलिट्री रूल बना देता है. तो बेटा वहां पर भी तो एट्रोसिटी होती है, वहां पर भी तो पंगे हो जाते हैं. या अगर हम कभी भी पावर किसी एक अथॉरिटी को दे दे, वो डायनेस्टिकल अथॉरिटी भी हो सकती है, वो एट्रोसिटीज भी हो सकती है, वहां पे ब्रूटैलिटी हो जाते हैं बेटा, जंगे लड़ी जाती है, सिविल वॉर्स हो जाते हैं और सिस्टम जो है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है. सोशल ग्रुप्स के बीच सामाजिक झुंड जो होते हैं बेटा, कम्युनिटीज जो होती है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं. बट अगर पावर को शेयर अच्छे से किया जाए तो बेल्जियम वाला केस हमारे पास है, कंट्री कैन पीसफुली लिव इन. तो बेटा बेसिकली जो मसला है दैट इज मेकिंग पीपल अवेयर, लोगों को समझाना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को सिखाना, क्यों जरूरी है पावर शेयर करना, क्यों जरूरी है किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट देना, हमको ये खुद समझ होनी चाहिए बेटा. वोट इज वेरी प्रेशियस, रिमेंबर दिस, वोटिंग इज वेरी प्रेशियस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी. ये हमको ही ताकत देता है कि हमको कौन रूल करेगा, हमको ही इख्तियार में होता है कि हम किसको रूल करें. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस होल कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर बाय वी हैव दिस अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन choose a representative who is going to rule on us. अब हम पे कोई रूल करे, हमारी जानों पे रूल करे, हमारे मालों पे रूल करे, अब इसके लिए कोई ऐसा फर्द होना चाहिए बेटा जिसकी मेंटेलिटी, जिसका थॉट प्रोसेस, जिसका दिमाग, जिसकी सोच, जिसकी नीयत बिल्कुल परफेक्ट हो. तो बेटा यही कुछ हुआ था फ्रांस में, जिसके लिए जंग लड़ी गई थी ताकि हमको वोट दिया जाए, और जब उनको इक्वल वोटिंग राइट्स दी जाए तो फिर कैसे पूरा सिस्टम यूनाइट होता है वो देखने को मिलता है. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज डेफिनेटली अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू operate, but it is something very peaceful and beautiful if done in a very proper manner like the Belgium did, and if done in a very brutal manner like a sort of a majoritarianism thing, then it becomes a problem like we faced in the like we saw in the Sri Lankan case. So kyun power sharing bahut zaruri hai, power sharing is good, it's very good thing, it's a achhi baat hai, because it helps to reduce the possibility of कॉन्फ्लिक्ट्स, जंगे कम हो जाती है. जब आप पावर शेयर करोगे तो सारा पावर एक के पास नहीं होगा, सबको पावर मिलेगा, स्टेट्स को मिल रहा है पावर, स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट, उसके एक और लेवल पे, लोकल लेवल पे, जैसे पंचायत लेवल इंडिया में हम, उसमें भी पावर मिल रहा है. तो सारा जो सत्ता, जो ताकत है वो किसी एक रूलर के पास नहीं होती है, एंड एवरी कम्युनिटी एंड एवरी सोशल कम्युनिटी रिमेन्स पीसफुल, दस अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स देयर बाय. द सेकेंड रीजन इज दैट, पहला रीजन याद रखना बेटा, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जंगे नहीं होंगी, पहला इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, वेरी फैक्चुअल रीजन एंड वेरी एक्चुअल रीजन, वेरी प्रूडेंट रीजन विच शुड बी देयर, ठीक है, जो हमने कल देखा प्रूडेंट वेट बेटा आज समझना. द सेकेंड रीजन इज दैट अ डेमोक्रेटिक रूल, अब ये जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र वाला सिस्टम चल रहा है, इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज, बेटा वही बात जो मैंने अभी बोला, पावर शेयर उनके साथ कर रहे हो अपनी इस डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज से, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, जिन पर इसके असरात पड़ेंगे, जिनको हम रूल करेंगे, जिसमें हमारे रूल गवर्नेंस में जो आएंगे, पावर शेयर करना बहुत जरूरी है उन सब के साथ, ताकि सब जो इसमें आ रहे हैं उस पर इसके असर पॉजिटिवली पड़े. People have a right to be consulted. जरूरी है people के सब लोगों के साथ सलाह मशवरा करना है, consult करना है on how they have to be governed, ताकि हम आपको कैसे govern कर सके. तो ये तभी मुमकिन है when you have power sharing on every level, union level, central level, local level, जैसे इंडिया में आप होता है, अपनी state elections है, अपने central लोकसभा elections होते हैं, even पंचायत elections भी होते हैं. तो power is been distributed to every level, at the every hierarchical level, and that is why it is very desirable. अब जो ये पहला reason है, first set of reasons is prudential, ये वाला reasons, it reduces the possibility of conflicts between social groups. Prudence किसको बोलते हैं बेटा, कल भी हमने देखा, whereby it's a basically a state whereby the possibility of all these losses and gains are taken into very articulate consideration. बिल्कुल सही तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो loss हो सकता है, तो अगर ये नहीं होगा तो ऐसा gain होगा. तो ये चीजें हम ज़हन में जब बिल्कुल factual तरीके से रखते हैं, उसको हम prudent बोलते हैं, prudence बोलते हैं. तो पहला reason जो हम आप choose कर रहे हो to reduce the possibility of conflicts, these reasons becomes very factual and it is said to be prudential reason. जो second reason है बेटा, that is the moral reason. एक समाजी तौर पे सोचते हो आप, एक एथिकल तौर पे सोचते हो आप, एक वी कैन से इंटीग्रिटी आप बनाते हो, आप बिल्कुल सही मायने में सोचते हो, एक मॉरल तरीके से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसको मैं रूल कर रहा हूं, जिस पे इफेक्ट होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व हो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट बिकम्स वन ऑफ द मॉरल रीजंस फॉर चूजिंग द पावर शेयरिंग. पहला रीजन क्या है, ताकि जंगे ना हो, डायरेक्ट प्रूडेंट रीजन. एंड सेकेंड रीजन, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बाय विच मैं जिस पे रूल कर रहा हूं वो भी अच्छे से इन्वॉल्व हो शेयरिंग में, और दैट बिकम्स अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी. द प्रूडेंट रीजन स्ट्रेट्स दैट पुअर द प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स और स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स. पावर अगर शेयर कर रहे हो तो बेटर नतीजे पहुंचेंगे, बेटर आउटकम्स पहुंचेंगे. वेयर एज द मॉरल रीजंस एम्फेसिस द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल एज वेरी एथिकल. समझ आया बेटा? तो यहां पे दो रीजंस हमको समझ आ रहे हैं पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है. वन रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन, जहां पे हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, पावर शेयर जरूरी करना है ताकि सोशल ऑर्डर्स में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ये बहुत जरूरी है. वी हैव टू सी, अगर ये नहीं करेंगे तो जंगे होंगी, अगर ये नहीं तो फसादे होंगी, अगर ये नहीं करेंगे तो सिविल वॉर होगा. वेरी प्रूडेंट रीजन. एंड सेकंड रीजन इज दैट अगर जिस पे मैं रूल कर रहा हूं, बाय वेरी मॉरली एंड एथिकली आई एम थिंकिंग, इफ आई एम रूलिंग ओवर समवन, दैट पर्सन शुडंट बी फीलिंग एलिनेटेड, आई शुड ऑल्सो इन्वॉल्व हिम अंडर माई सुपरविजन, आई शुड ऑल्सो ग्रांट हिम सम पावर्स, एंड दिस बिकम्स अ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप. दैट इज व्हाई फर्स्ट रीजन इज कंसिडर्ड प्रूडेंशियल, सेकंड रीजन इज कंसिडर्ड मॉरल. ठीक है बेटा, समझ आया? कहानी समझ आ रही है? उसके बाद आगे चलते हैं. खलील साहब आ गया बेटा, खलील्स डिलेमा. आपकी बुक में एक प्यारी सी स्टोरी देखे है यहां पे, दैट टॉक्स अबाउट खलील्स डिलेमा. बेटा क्या होता है, ये इमेज आप देख रहे हो, दिस इमेज, एक बाइक चला आ रहा है, इसके पीछे एक और बैठा हुआ है. बेटा बेसिकली दिस इमेज हैज बीन टेकन बाय, आपने वो एक कहानी आती थी बेटा बेताल, विक्रम बेताल की कहानी आती थी, जिसको हम बेताल पच्चीसी भी बोलते थे बेटा. बेताल पच्चीसी में क्या होता था, एक कहानी आती थी बेटा, डीडी नेशनल पे भी आती थी. बेसिकली एक किताब लिखी गई थी, इट्स एन इंडियन मिथोलॉजिकल स्टोरी. उसमें क्या होता है, एक किंग होता है विक्रमादित्य. बेसिकली ये बुक लिखी गई थी सही में, और जिसने लिखी थी उसका नाम सोमदेव भट्ट था बेटा, एक पुराना 11th सेंचुरी का रूलर था, 11th सेंचुरी का राइटर था, पोएट था. उसने एक बहुत अच्छी बुक कंपाइल की, एक स्टोरी कंपाइल की. उसने क्या, उस स्टोरी का कहानी मकसद क्या होता था, उसने बहुत बहुत स्टोरीज उसमें लिखी, और स्टोरीज में क्या होता था, एक किंग होता है विक्रमादित्य, वो अपने रथ पे घूम रहा होता है, वो अपनी ट्रैवल, जिस पे वो ट्रैवल कर रहा होता है, अपने रथ पे चल रहा होता है, और साथ में उसके कंधे पे एक घोस्ट होता है जिसका नाम बेताल होता है. तो विक्रम और बेताल की कहानी तब से बहुत मशहूर होती है. और ये जो बेताल होता है, ये जो घोस्ट होता है, ये बहुत खतरनाक होता है. ये इसको अपने साथ बोलता है, जहां ये जाएगा मुझे भी ले लो और मेरी कहानियां सुनते जाओ, और इसको कहानी सुनता जाता है. फिर एंड पे इसको सवाल पूछता है, अगर ये नहीं, जवाब इसके जहन में अगर होता भी है, अगर ये जवाब
नहीं देता है तो ये बोलता है आप फ्रीज हो जाओगे, ही विल डू समथिंग लाइक दिस एंड किंग विल फ्रीज एट दैट वेरी मोमेंट. दैट इज दिस मिथोलॉजिकल स्टोरी. और इसमें पूरी सीरीज भी बनी थी बेटा, डीडी नेशनल पे आती थी, बहुत पुरानी सीरीज, बहुत फेमस सीरीज, बेताल पच्चीसी और विक्रम बेताल. अब ये नोशन, ये जो कहानी का कंसेप्ट लिया बेटा वहीं से लिया है. देखो क्या होता है, ये एक विक्रम है, ये सॉरी दिस इज अ किंग शोन ओवर हियर विक्रम, एंड दिस इज अ गोस्ट जिसका नाम है, भूत है जिसका नाम है बेताल. तो ये कहानी उधरी से ली. अब ये कहानी कुछ समझाने के लिए देखो कैसे एनसीईआरटी कैसे एक प्यारे तरीके से चीजें हमको समझा देता है. वो कह रहा है यहां पे ये जो चल रहा है, ये इंसान विक्रम अपनी बाइक पे चल रहा है मॉडर्नाइजेशन की स्टोरी को, और एक गोस्ट इसके साथ चल रहा है और इसको रोक देता है, इनको चलना होता है. और ये इसको कहानी बोलता है मुझे अपने साथ ले लो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. और इसको कहानी सुनाता है, कहानी क्या सुनाता है, बोलता है इसका नाम है, एक इंसान होता है इस कहानी में जिसका नाम खलील है बेटा. खलील डिलेमा, खलील का कंफ्यूजन, खलील का अलमिया, खलील का परेशान होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो ये कहानी सुनाता है उसको. उसमें एक आदमी होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम खलील होता है, और वो रहता है कहां पे, बीरूत में बेटा. वैसे एक कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सच है, मतलब बेताल सच नहीं है, द स्टोरी अबाउट दिस खलील इज बेसिकली वेरी ट्रू, दिस केस हैपेंड एग्जैक्टली. खलील जो था, अब दो दिस हैज बीन क्रिएटेड लाइक अ स्टोरी, बट जो कहानी वो उसको सुना रहा है बेटा वो बिल्कुल सच. वैसे केसेस आर वेरी ट्रू इन दिस एक्चुअल स्टोरी इज बेसिकली द ट्रू. द केस इन द सिटी ऑफ बीरूत, बीरूत एक सिटी है बेटा, कैपिटल सिटी है लेबनान की. लेबनान एक शहर है, हमको पता है बेटा, वेस्ट एशिया में है, जो सीरिया को बॉर्डर कर रहा है नीचे से, और यहां से जॉर्डन को बॉर्डर कर रहा है. और ये जो लेबनान था बेटा, यहां पे बहुत परेशानियां थी. लेबनान हैज ऑलवेज सीन अ लॉट ऑफ डिविजन्स इन दिस एथनिसिटी, बहुत खतरनाक तरीके से डिविजन्स है बेटा लेबनान में. और लेबनान में क्या है, लेबनान की सिटी बीरूत है, और बेटा वहां पर क्या होता है ये मैं आपको कहानी बता रहा हूं जो सच भी है. सिविल वॉर हो जाता है बेटा 1975 से लेके ऑलमोस्ट 1990 तक, 15-18 साल सिविल वॉर चलता है, और आपस में ये लोग झगड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है बेटा, वहां पे जो पॉपुलेशन अगर आज देखे बहुत छोटा है बेटा लेबनान, इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंट्री, एंड द पॉपुलेशन इज जस्ट 70 लैक्स दिस टाइम. एंड वहां पे जो सिविल वॉर चल रहा था वो इस वजह से चल रहा, सिविल वॉर किसको बोलते हैं बेटा, जब लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, डिस्टर्बेंसेस होती है, कभी रूलर के खिलाफ, कभी रूलर को कोई और सपोर्ट कर रहा है बाहर से, कभी कोई आपस में ही ये जो अपोजिशन है वो लोगों के साथ मिलता है. तो दिस ऑल बिकम्स दिस लेड्स टू द war called as civil war. And what इसमें क्या होता है, सिविल वॉर में बेटा बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग लेबनान छोड़ के भाग गए थे, और यहां से फलस्तीन की फोर्स आई थी, वो भी इनकी सपोर्ट में थी, ठीक है बेटा. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, क्योंकि वहां की एथनिक पॉपुलेशन खतरनाक थी, एथनिक पॉपुलेशन थी बेटा. वहां पे एक क्रिश्चियन ग्रुप था, एक क्रिश्चियन ग्रुप रह रहा है अलग से. आई विल शो यू हियर फर्स्ट, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ, वी कैन से somehow different problem of Lebanon. ये Lebanon है बेटा, ये वाला Lebanon देखो कैसे Lebanon की कहानी क्या थी. ये वाला Lebanon है, ये पूरा लेबनान है बेटा. यहाँ पे 21% यहाँ पे रह रहे हैं कैपिटल के ऊपर, और ये क्रिश्चियंस रह रहे हैं बेटा. यहाँ की जो पॉपुलेशन है लेबनान की, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन, वी कैन नॉट से 70, ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इज मुस्लिम्स, एंड 40% लेट्स टेक इट इन एक अप्रोक्सीमेट 40% पॉपुलेशन है क्रिश्चियन. लेकिन मुस्लिम में भी पॉपुलेशन जो थी बेटा वो क्या है, वो पॉपुलेशन हाफ हाफ, 50% पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, वो बेटा सुन्नी मुस्लिम्स की है, और 50% पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की है. अब यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट खतरनाक तरीके से है, एक तो क्रिश्चियन ग्रुप है, ऊपर से यहां से शिया मुस्लिम्स है और सुन्नी मुस्लिम्स है, तो पॉपुलेशन का डिवीजन खतरनाक था बेटा. और ये कुछ वजूहात थे जो वहां पे सिविल वॉर चल रहा था, वो हमारा टॉपिक नहीं है सिविल वॉर क्यों था लेकिन चल रहा था. अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये मैप है लेबनान का, इफ यू कैन सी लेबनान, दिस साइड ऑफ द लेबनान, ये वाला जो साइड है लेबनान का, यहां पर बेटा क्रिश्चियंस रह रहे हैं जिनको मैरोनाइट क्रिश्चियंस बोल रहे हैं. मैरोनाइट कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, हमने कैथोलिक क्रिश्चियंस देखा बेटा, पुराने क्रिश्चियंस, ये थोड़े उनसे अलग होते हैं, ये जीसस को दो तरीकों से ड्यूअल कैरेक्टर समझते हैं, दो तरीकों से, एक तो समझते हैं जो जीसस का गॉड के साथ कंसर्न है, और जीसस का जो लोगों के साथ कंसर्न है. सो ड्यूअल नेचर ऑफ जीसस इज बीइंग कंसीडर्ड बाय दीस मैरोनाइट क्रिश्चियन, तो थोड़े ये कैथोलिक क्रिश्चियन से हटके है, बाकी पूरे वैसे ही है. तो इसमें लेबनान में क्या हो रहा है, लेबनान में मैरोनाइट क्रिश्चियंस यहां से रह रहे हैं बेटा. ये जो अगर आप ये वाला देखोगे, ये वाला पोर्शन, ये शिया मुस्लिम्स रह रहे हैं, और अगर आप बेटा नीचे वाले देखोगे, ये वाला पोर्शन यहां से, ये कौन रह रहे हैं, ये बेटा रह रहे हैं सुन्नी मुस्लिम्स. अब पॉपुलेशन खतरनाक है, और बाकी अदर क्रिश्चियंस आर लिविंग हियर बाय. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. और इस कहानी का मकसद क्या है, जब ये गोस्ट इस विक्रम को बाइक पे चलते चलते कहानी सुना रहा होता है, इसको खलील के बारे में बोलता है खलील जो है, इट टेल्स हिम इन अ सिटी ऑफ बीरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड द
खालिद, खलील रह रहा है एक आदमी, उसके पेरेंट्स जो है वो दो कम्युनिटीज से आते हैं। हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, इसका जो बाप होता है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होता है, और जो उसकी माँ है वो सुनी मुस्लिम है। दे लिव्ड टुगेदर, आपस में रहते हैं, इंटरमिंगल भी होते हैं, येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर, लेकिन एक तीखा सा सिविल वॉर हमेशा वो आपस में लड़ते रहते हैं। और क्या होता है, अमंग देमसेल्व्स वन ऑफ द खलील्स अंकल्स वॉज किल्ड इन दैट वॉर, और जो सिविल वॉर मैंने अभी बेटा बोला आपको, दैट इज व्हाई आई सेड दिस स्टोरीज बेस इज ट्रू, इस स्टोरी की कहानी की जो बेस है वो सच है। और जो सिविल वॉर में क्या होता है, खलील जो होता है उसके जो अंकल होते हैं वो मारे जाते हैं। एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर, अब ये क्या होता है, इस सिविल वॉर जो इतना चलता है उसके बाद सरकार बनाते हैं, और इसमें कुछ चीजें तय होती है बेटा जो अभी भी प्रैक्टिकल चल रही है। सिविल वॉर में क्या तय होता है, लेबनान के सारे लीडर अब सामने आते हैं। लीडर कितने हैं, डिफरेंट है, कभी सुन्नी है, कभी शिया है, और उसके बाद वी हैव द मैन राइट क्रिश्चियंस ओवर देयर, दे ऑल कम टुगेदर एंड दे प्लान समथिंग स्ट्रेटजिकल। व्हाट दे प्लान, लेबनान लीडर्स कम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ये बोलते हैं हम कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे कि डिफरेंट कम्युनिटीज जो है सबको कुछ ना कुछ पावर मिले। देखो क्या हो रहा है, एज पर द रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट कैथोलिक क्रिश्चियंस। कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा, कंट्री का प्रेसिडेंट, देखो बेटा कंट्री का प्रेसिडेंट कितनी चीजें होती है यहां पे, एक तो प्रेसिडेंट आ रहा है पहला चीज, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी चूज करना है, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी करना है, और फिर स्पीकर भी करना है। चार चूजे रूल चूज करनी है इनको। अब ये चारों कम्युनिटीज से किसी ना किसी को रूल कर रहे हैं। क्या से कैसी चार कम्युनिटी कैसी है, पहले मैरोनाइट क्रिश्चियंस है, उसके बाद शिया मुस्लिम है, सुनी मुस्लिम है। अब हर किसी कम्युनिटी से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चूज कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ द कैथोलिक क्रिश्चियंस, बट अभी भी जो वहां का प्रेसिडेंट है दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट, ही इज ऑलवेज रूल, कुछ ऐसे कानून कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए कि हमेशा जो प्रेसिडेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस, यानी कि ये क्रिश्चियन होगा। और इसका नाम अभी भी बेटा, अभी जो वहां पर करंट है उसका नाम मिशेल आउन है बेटा, ही बिलोंग्स टू मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। तो ये वाली कम्युनिटी खुश, मैरोनाइट वाली कम्युनिटी खुश, और प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। प्राइम मिनिस्टर कहां से होगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, यानी कि इनसे होगा, सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से। अभी भी देखा जाए वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है ही बिलोंग्स टू सुन्नी, उसका नाम क्या है बेटा, नाजिब मिकाती, सुन्नी। उसके बाद उन्होंने और एक चीज तय की, द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, इट वुड बी गिवन टू द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड दैट ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर है वो शिया मुस्लिम को दिया जाएगा। शिया मुस्लिम स्पीकर जो है बेटा 87 ईयर ओल्ड शिया मुस्लिम है, उसका नाम नबी बहरी है। अभी भी दिस टाइम नबी बहरी इज अ शिया मुस्लिम ओवर दियर, एंड दैट इज हाउ दे डिड वॉट बेसिकली, दैट इज हाउ दे स्टार्टेड दिस होल प्रोसेस। एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट को चूज करना है वो कौन होगा, मैरोनाइट सेक्ट से जो अभी भी है जिसका नाम मिशेल है बेटा। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर चूज होगा सुन्नी मुस्लिम से होगा, उसका नाम नाजिब मिकाइल है। जो प्राइम मिनिस्टर होगा बेटा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो भी चूज होगा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से। और जो लास्ट में स्पीकर होगा बेटा, वो चूज होगा शिया मुस्लिम से। तो दिस इज हाउ दे सॉर्टेड ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड चोजन डिफरेंट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज हु विल रूल ओवर दिस कॉम्प्लेक्स कंट्री जिसको हम लेबनान बोलते हैं। लेकिन खलील परेशान है, खलील को क्या हो रहा है, खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम ऑन बीट। खलील की कहानी कौन सुना रहा है, विक्रम कौन सुना रहा है, बेताल सुना रहा है विक्रम को, क्या बोल रहा है खलील को कहानी की सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। वो पॉपुलर मैन है, उसके सियासी एंबिशंस है, बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजिशन इज आउट ऑफ हिज रीच। अगर ये प्रेजेंट सिस्टम की बात करें, ये जो टॉप पोजिशन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाली, वो इसके खिलाफ है, वो उसके बाहर है। ही डज नॉट प्रैक्टिस इधर हिज फादर्स और मदर्स रिलीजन, इन दोनों में से किसी का रिलीजन वो फॉलो नहीं कर रहा है, एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाई इधर, नहीं इसको पुकारना चाहता है इस रिलीजन से। ही कैनॉट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं आ रहा, यही डिलेमा है बेटा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज खलील्स डिलेमा, खलील का अलमिया क्या है, खलील की परेशानी क्या है। ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई लेबनान कांट बी लाइक अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी, यहां पर क्यों आपको कम्युनिटी से चेंज करना है। ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई डेमोक्रेसी कैनॉट प्रीवेल देयर, जस्ट होल्ड ऑन, इलेक्शन कर दो, हर किसी को रूल दे दो इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, जिसको मैक्सिमम वोट आएंगे वो प्रेसिडेंट बनेगा, नो मैटर विच कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम। ये खलील का डिलेमा है। व्हाई कांट वी डू दैट, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछता है। हिज एल्डर्स हु हैव सीन द ब्लडशेड ऑफ द सिविल वॉर, इसके जो बुजुर्ग है जिन्होंने सिविल वॉर देखा है, जिसका अंकल भी मारा जाता है बेटा, टेल हिम दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज द बेस्ट गारंटी फॉर
पीस। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद लास्ट बेटा द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड, अभी कहानी खत्म नहीं होती है। ये मोबाइल टॉवर के पास पहुंच जाते हैं, बट दे रीच द टीवी टॉवर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। वेताल क्या करता है, वेताल ये है भूत बेटा जिसको कहानी सुना होता है। वेताल रैप्ड अप द क्विकली एंड पोज दिस कस्टमरी क्वेश्चन, यही कहानी थी बेटा। वेताल हमेशा उस सीरियल में भी यही करता था, एंड पे क्वेश्चन उसको पूछता था, किसको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विक्रम को, इफ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान, अगर तुम्हारे को ताकत दी जाए कि तुम रूल्स नहीं से लिखो लेबनान में, What would you do? तुम क्या करोगे? Would you adopt the regular rules followed? Would you adopt the regular rules followed everywhere as Khalil suggests? क्या तुम वैसे ही करोगे जैसे खलील कह रहा है? ये कौन पूछ रहा है? ये भूत पूछ रहा है विक्रमादित्य को। और stick to the old rules, या पुराने rules पे रहोगे और do something else, या कुछ और करोगे? वेताल did not forget to remind विक्रम of their basic pact। वेतम क्या करता है, वेताल को पुरानी कहानी जो है, पुरानी फितरत जो है, पुराना तरीका है, वो नहीं भूलता है, और वो उसको बोलता है कि तुम क्या करोगे, इफ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट डू नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू, आपकी बाइक भी फ्रीज हो जाएगी, आप भी फ्रीज हो जाओगे। सो कैन यू हेल्प द पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल, क्या आपके पास कुछ जवाब है कि जिससे आप इस विक्रम की हेल्प कर सके जिसको वेताल ने सवाल पूछा है? सो बेटा आप सोचना वेदर दिस लेबनान सिस्टम वॉज द बेस्ट सिस्टम दैट हैज बीन एडॉप्टेड और डेमोक्रेसी शुड प्रीवेल ओवर दियर ऑल्सो, ये सवाल आपके लिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।